गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। सभी पार्टियां अपनी सियासतों से एक दूसरे को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, गुजरात चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ की 182 विधानसभा सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एक और निर्दलीय अपक्ष पार्टी मैदान में उतरी है, जिसमें निर्दलीय से अपक्ष पार्टी सूरत शहर के अंबावाड़ी काली पोल से शहाबुद्दीन जैनुद्दीन मलवारी इस बार 159 पूर्वी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और श्री शहाबुद्दीन ने बताया कि उनके पक्ष में सभी समुदाय के कुल 2,20,000 वोट हैं और बताया कि हमारी जीत होगी तो गैस पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, बिजली मुक्त कर गुजरात को मॉडल बनाएंगे, जिसको लेकर शहाबुद्दीन द्वारा रैली निकालकर प्रचार किया गया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रैली में उपस्थित थे। शहाबुद्दीन जैनुद्दीन मलबारी, मैं पूर्व 159 नंबर मत विस्तार से खड़ा हुआ। किस तरह की पोजीशन है इस तरह आपकी? हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज के लिए खड़ा हूँ। हमने पार्टी में भी बहुत कोशिश की है, किसी ने हमारी ये ली नहीं नोंद, इसके लिए हम खुद अकेले अपक्ष से खड़े हुए हैं। हमारे वोट नंबर 159 वोट नंबर 3 नंबर मुद्दे तो बहुत है। गए जैसे अभी कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, ना कांग्रेस का बीजेपी का कोई उम्मीदवार हमारे मत विस्तार में आया नहीं था। बराबर हम ही लोगों ने हमारे लिए काम किया, समाज सेवा की। हमारे पास कोई कॉरपोरेटर है नहीं, इसके लिए हमने सोचा कि अब हम ही लड़ेंगे। मुद्दा है महंगवाड़ी का है, महंगवाड़ी का मुद्दा है, यही सब मुद्दा है। मोहल्ले में कोई काम होता नहीं है, हमारे गटर लाइन का है, हर चीज़ कोई भी काम होता नहीं हमारे। हाँ, विकास से जुड़े कोई काम, हाँ बताएगा ना, इसके लिए तो हम लड़ने खड़े हुए हैं। 215,000 सभी समुदाय के वोट हैं। हम जीतेंगे तो हम पूरे विश्वास के साथ काम करेंगे, पूरे सभी लोगों के लिए, सभी समुदाय के लिए काम करेंगे। जो भी है विकास के लिए, महंगवाड़ी के लिए, हर चीज़ के लिए काम करेंगे। मोहम्मद जावेद अब्दुल कादर मलबारी, हम पूरे 159 पूर्व विधानसभा से हमारे भाई खड़े हुए हैं। हमारे उम्मीदवार अपक्ष उम्मीदवार से खड़े हुए हैं शहाबुद्दीन भाई जैनुद्दीन भाई मलबारी। और वो जो अभी जो जिस हिसाब से अभी सिचुएशन देख रहे हैं, तो हमारे विस्तार में कुछ काम नहीं हो रहा है। अब हमें बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, हमारे विस्तार का काम करना है तो हमें बढ़ चढ़ के आगे आना है। और अभी इलेक्शन में एक मौका मिला है हमारे भाई को, शहाबुद्दीन भाई जैनुद्दीन भाई मलबारी को एक मौका मिला है, तो हम पब्लिक से ये एक आशा रखते हैं कि 1 तारीख को जब मत छूटने आपने क्या बोलते मतदान 1 तारीख को जब मतदान हो, तो पब्लिक से हम ये विनंती करते हैं मूल्य वाले और जैसे पूर्व 159 पूर्व के जितने भी लोग पब्लिक है, उनसे हम यही विनंती करते हैं कि बढ़ चढ़ के इन्हें वोट दे। हमारा वोट क्रम नंबर है 13 और हमारा निशान है खेतर नारियल का झाड़। और हर व्यक्ति से और लोगों से बताइए जी, हमारा निशान है अपक्ष में से खेतर का झाड़, नारियल का झाड़ है हमारा सिंबल। और उस पर हम पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं कि एक मरतबा न्यू पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को एक मौका दे और बड़ी बहुमत से जीता है। एक मौका तो दे के देखो आपका काम कैसा होता है। हम तो समाज सेवा में भी काम करते हैं, पर इस वक्त हमारे बड़े भाई खड़े हैं, तो हम यही चाहते हैं पब्लिक से, यही हमारी विनंती है कि हमारे भाई को बड़ी बहुमत से जिताए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो हम काम से काम ज़्यादा करके बिताएगा।